मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ और आपके स्क्रीन पर दो बड़े ट्वीट। अतुल प्रसाद जी ने बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अपना नजरिया साफ किया। ऐसे में फर्जी अभ्यर्थियों की खैर नहीं। ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा सुधार द्वारा बीपीएससी टीआरई के संबंध में बीपीएससी प्रमुख को इस संबंध में ध्यान आकृष्ट कराने की भी कोशिश की है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों के बाहर राज्य के अभ्यर्थी बिहार के फर्जी जाति आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द होगी, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपी के अभ्यर्थियों ने बनाया फर्जी प्रमाण पत्र और इस पर भी विभाग संज्ञान ले रहा है। ऐसे में आज जो ट्वीट आया, आम अभ्यर्थियों की धड़कने रोकने वाला ट्वीट है। आप देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई पार्शियली वेरीफाइड कैंडिडेट्स नॉट नीड वरी एज वेल एज री चेक ऑल सच केसेज बिफोर फाइनलाइज रिजल्ट्स। नो न्यू डॉक्यूमेंट्स इज नीडेड एज द सेम मस्ट हैव बीन सबमिटेड ड्यूरिंग डीवी। सीधे लफ्जों में इस ट्वीट का मतलब ये हुआ कि पार्शली वेरीफाइड कैंडिडेट्स को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल रिजल्ट से पहले एक बार उनका फिर से सत्यापन होगा, पर नए डॉक्यूमेंट को वो लगा नहीं सकते हैं। पुराने डॉक्यूमेंट को ही उनको साबित करना होगा कि वो सही कैसे हैं और बीपीएससी गलत कैसे है। ऐसे में ये पहला ट्वीट था। दूसरा ट्वीट चौंकाने वाला है। साफ लफ्जों में जो भी फर्जी अभ्यर्थी हैं और वो चाह रहे हैं कि हम फर्जी तरीके से बीपीएससी टीआरई डीवी करवा कर नौकरी को पाए, उनके लिए साफ लफ्जों में करा संदेश। आप देख सकते हैं लिखा है कि सम टीआरई पार्शियली वेरीफाइड कैंडिडेट्स आर ब्लेमिंग बीपीएससी एंड इट्स सर्वर फॉर एसेंशियली व्हाट इज देयर ऑन मिस्टेक एंड और गुफ ऑफ साइबर कैफे। सच कैंडिडेट्स शुड इंडीड वरी टू फाइंड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिगेशंस। साफ लफ्जों में कड़ी चेतावनी है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो साइबर कैफे को गलत कह रहे हैं या सर्वर को गलत कह रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कहा जा रहा है कि आगे वो तैयार रहें सबूत के साथ कि ये गलती उनकी है या साइबर कैफे की या बीपीएससी की, इसको साबित करें, और जो साबित नहीं कर पाएंगे उन्हें बीपीएससी टीआरई से बाहर किया जाएगा। इस ट्वीट का सीधा मायना यह है कि जो सही अभ्यर्थी उनको घबराने की जरूरत नहीं है, पर फर्जी अभ्यर्थियों के लिए अब बड़ा संकट उत्पन्न हो चला है, क्योंकि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से बाद में डॉक्यूमेंट पाया और वो चाह रहे कि किसी तरह बीपीएससी टीआरई में अपना स्थान ग्रहण करें, पर ऐसा संभव नजर नहीं आता। ऐसे में आज अभ्यर्थी बीपीएससी प्रमुख से मिलने बीपीएससी कार्यालय भी पहुंचे थे। क्या बातचीत हुई उसके एक वीडियो के सारांश से आपको रूबरू कराएंगे। सीधे लफ्जों में कहा गया कि आगे एक बार और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। देखिए और सुनिए क्या कहा बीपीएससी कार्यालय के अधिकारियों ने। परीक्षा के आधार पर रिजल्ट के बाद भी वहाँ वेरिफिकेशन होगा। अगर विज्ञापन पागल है भी इतना दंग अरवल पटना यहाँ वहाँ 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 दौड़ रहे हैं, सर बताइए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या क्या नए रंग देखने को मिलते हैं, खास करके उन अभ्यर्थियों को जो या तो फर्जी है या जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अब सब कुछ बीपीएससी के हाथ में है, पर इतना तो ट्वीटों से साफ हो चला है कि फर्जी अभ्यर्थियों को तैयार रहना है और जिन अभ्यर्थियों ने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उनको तैयार रहना है सबूत के साथ कि बीपीएससी या सर्वर में क्या गलती हुई या ये गलती अभ्यर्थी की है, और अगर अभ्यर्थी की गलती साबित होगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। आगे की खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।